नमस्कार दोस्तों, एनके मॉनिटर चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रस्तुत है चाणक्य नीति के आधुनिक रूपांतरण की एक और वीडियो। चाणक्य नीति को पूरी तरह और अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, पत्नी अगर ये दो बड़ी गलतियां करती है तो पति धीरे धीरे हो जाता है बर्बाद। कौन सी हैं वो गलतियां, आइए जान लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, पत्नी एक विवाहित महिला होती है और पत्नी का विरुद्धार्थी शब्द पति होता है। पत्नी और पति दोनों मिलकर वैवाहिक जीवन को जीते हैं। गृह स्वामिनी होने से ग्रामीण भाषा में ये गृहवाली या फिर घरवाली भी कही जाती है। मनुष्य के जीवन को सुखी बनाने के लिए बहुत से विद्वानों ने कुछ बातें बताई हैं। इन बातों से पता चलता है कि प्राचीन काल में कितने महान विद्वान हुए जो मनुष्य जीवन को सुखी बनाने के लिए भविष्य के बारे में सोचते थे। दोस्तों, आज हम आपको ऐसी दो बातें बताने वाले हैं। यदि कोई पत्नी रोजाना इन गलतियों को करे तो पति की मुश्किलें बढ़ जाती हैं, और यदि कोई महिला इन दो कामों को प्रतिदिन करे तो क्या हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। दोस्तों, कृपया आप सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप वीडियो की भावनाओं में खो जाएंगे और वीडियो को लाइक करना भूल जाएंगे। और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर एक, दोस्तों, स्त्री को कभी भी अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि विधाता ने किसी को भी अन्न का अपमान करने का हक नहीं दिया है। यदि किसी की पत्नी अन्न का अपमान करती है या प्लेट में अधिक भोजन डालकर आधा खाकर छोड़ देती है तो ये अन्न का अपमान है। ऐसा किसी भी स्त्री या किसी भी पुरुष को नहीं करना चाहिए। नंबर दो, दोस्तों, पत्नी को नित दिन सुबह उठकर साफ सफाई कर लेनी चाहिए, क्योंकि साफ सुथरा स्थान मां लक्ष्मी का वास होता है। यदि कोई महिला साफ सफाई नहीं करती तो उस घर में गंदगी जमा होने लगती है और बीमारियों का खतरा भी बढ़ने लगता है। इसलिए हर स्त्री को साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे आचार्य चाणक्य जी के कुछ बेहद अनमोल विचार जो मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर किए। आई होप आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। दोस्तों, इस वीडियो से आपने क्या सीखा और इस वीडियो में आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि भविष्य में आने वाली हमारी सभी वीडियोस को आप आसानी से देख सकें। मैं मिलता हूँ आपसे एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।